यस, आज का लेक्चर इस परमोटेशन ग्रुप्स के ऊपर आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन लेक्चर में से एक होगा। अगर आप में से किसी को ग्रुप थ्योरी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आज के बाद आपको लगेगा ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, पूरा लेक्चर मेरे साथ लगाइएगा लाइव में। आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा मैथ्स को लेके, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होने जा रहा है। तो क्या आप तैयार हो अपनी नेक्स्ट लेवल की इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? गिव मी बिग यस इन द चैट बॉक्स। आपके सामने सुपर ओवर यानी कि 6 गेंदे, मुझे क्रिकेट बड़ा पसंद है और ये 6 गेंदे आपके साथ खेलने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम प्री रिक्वेस्ट, इस टॉपिक के लिए क्या बेसिक्स चाहिए, फिर हम बात करेंगे परमोटेशन के साथ कैसे खेला जा सकता है, फन करेंगे, परमोटेशन ग्रुप्स पढ़ेंगे, यस, और उसके सब ग्रुप्स को देखेंगे, और फिर कुछ बल्ब ऑन मूवमेंट्स आएंगी जो कि नंबर 5 पे आएंगी। लगेगा यार सरप्राइज, इस बॉल पे क्या हो सकता है, 6 लगेगा या आउट होने वाले हो, देखते हैं इन बल्ब ऑन मूवमेंट के साथ। मेरा नाम चेतन है, आप देख रहे हैं इंडिया का लीडिंग एनिमेटेड मैथ चैनल, जहां पर स्कैंडी और हायर लेवल मैथ्स पढ़ाया जाता है, इसलिए ताकि स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाए और टीचर्स वर्ल्ड क्लास टीचिंग कर पाए। इसी वजह से 700 से ज्यादा सिलेक्शन हुई है यार, इतने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में पहुंच चुके हैं, या मैथ्स के अंदर या साइंस के अंदर। बारी आपकी है, कितनों को अभी तक ये कॉन्फिडेंस आ चुका है जो हमसे पढ़ते रहते हैं, मेरा इस बार गवर्नमेंट जॉब पक्का क्रैक होने वाला है, किसको अंदर से फीलिंग आ चुकी है वाली, पढ़ाई करते करते एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आई एम सेलेक्टेड, राइट डाउन आई एम सेलेक्टेड। यस, ये फोन नंबर बड़े काम का है, इसे मैं कहता हूं आपका अपना दोस्त और MME व्हाट्सएप बोट, यानी कि इस पे क्या मिलेगा आपको, आज इस पूरे लेक्चर को सुनने के बाद असाइनमेंट भी करने को मिलेगी। जब भी मैं YouTube पे आता हूँ, साथ में मेरे को जरूर से होता है आप लोगों को कुछ गिफ्ट दिया जाए, तो इस नंबर पे जाके हाय लिख दो, अभी लिख दो, MME स्पेशल YouTube लाइव गिफ्ट मास्टर कैडर ग्रुप थ्योरी, ये उस पर ऑप्शन आती है कि आपको ग्रुप थ्योरी तक जाना और ग्रुप थ्योरी की असाइनमेंट ले लेनी है। सो वेलकम इन द राइट लर्निंग एनवायरमेंट। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया पहले से कर दो, क्योंकि वैल्यू बहुत मिलने वाली है। इट इज गोइंग टू बी मैराथन क्लास ऑन परमोटेशन। ये जो आप अपने टाइम का इन्वेस्ट कर रहे हो ना, बस ये इन्वेस्टमेंट है, आपको बहुत फ्रूट देने वाला है। एक लेक्चर आपके जीवन को बदल सकता है, हो सकता है ये वो लेक्चर हो जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। जितना मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे उतना आपको अंदर से लगेगा आई एम कनेक्टेड। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सपीरियंस बेस्ट हो, बड़े आराम से साइड पर जाके कहीं बैठ जाओ घर पे कोने में, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना, पेन नोटबुक रखना, खूब सारे नोट्स बनाना। कई बार ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, पिक्चर की तरह लेक्चर को सुनते हैं, भाई नहीं वो स्टोरी याद रहे ना रहे, ये याद रखना जरूरी है, मेक नोट्स, ताकि पहली बारी लेक्चर के अंदर काफी सारी चीजें साथ रख लो। और आपको साथ में काफी कुछ करवाने वाला हूं मैं, जोश बना के रखना मेरे साथ और कमिटेड रहना पूरा लेक्चर मेरे साथ लगाने के लिए। यस, सो आर यू रेडी, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, भर दो पूरा चैट बॉक्स। और एक लास्ट काम, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दो सारे फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कंपल्सरी है सबके लिए, जब भी आप सुन रहे हो मस्ट शेयर, मिल बांट कर नॉलेज पढ़ते हैं, एक ही जिंदगी मेरे यार, जो ज्ञान मिल रहा है, जो अच्छा नॉलेज मिल रहा है उसको सब तक लेके जाना है। जो सॉन्ग्स और बाकी चीजें होती है ना हम सबको भेज देते हैं, कोई अच्छा सा मैसेज मिल जाए ना कोई लव के ऊपर या कुछ और, भेजते हैं अपने अपनों को, भाई ये भी किसी से कम नहीं है लेक्चर, भेज दो। यस, सो ग्रुप थ्योरी, सुपर ओवर, परमोटेशन ग्रुप्स, सो ये 6 है। सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें फंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फंक्शन की टाइप्स के बारे में, यानी कि चेतन सर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करोगे, जी बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, और फिर परमोटेशन को देखेंगे एज ए फंक्शन, परमोटेशन फंक्शन ये क्या है, कैसी बात कर रहे हैं, देखते हैं। चलो वापिस चलते हैं फंक्शन के ऊपर, ये क्या लिखो, एक्स स्क्वायर, एक मशीन बन रखी है एक्स स्क्वायर, इस
मशीन के अंदर क्या करते हैं, हम पुट कर रहे हैं, देखो क्या इनपुट जा रहा है, वन गया, वन स्क्वायर बाहर आ गया, टू गया, टू स्क्वायर बाहर आ गया, जो नंबर डाल रहे हैं उसका स्क्वायर होके बाहर आ रहा है। मतलब मशीन क्या करती है, कुछ इनपुट कुछ आउटपुट, इनपुट भी पक्का होगा तो आउटपुट आने का चांस है ना यार, मशीन खराब नहीं हुई तो इनपुट जरूरी है, बोलो मेरे साथ, मशीन में इनपुट जरूरी है, नहीं तो खाली पड़ा तो जंग लग जाएगा। यस, चलो फंक्शन को समझना होता है ना, फंक्शन पता ना किसका बच्चा है, फंक्शन एक रिलेशन का बच्चा है, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। यस, मेरी कुछ बातें बड़ी प्यारी प्यारी लगेंगी और बड़ी अच्छी समझ में आएंगी। ए आप लिख लेना, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन रिलेशन का बच्चा है, टाइप है। यस, yes? तो हमने रिलेशन ले लिया दो सेट के ऊपर ए और बी। रिलेशन क्या करता है, वन को एक्स पे लेके जा रहा है, वन को वाई पे लेके जा रहा है, ये तो बड़ी सही चीज है यार, ये रिलेशन तो है, रिश्ता तो हमने बना ही दिया। मैं इस आर वन को ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, वन एक्स पे भी गया, वन वाई पे भी गया, लेकिन क्या मुझे बताओ ये फंक्शन होगा, ये मशीन काम योग्य है? फंक्शन मतलब मशीन जिसे बोलते हैं, इनपुट एक था आउटपुट दो आ रही है। एक और रिलेशन देखते हैं, वन जेड पे गया, टू एक्स पे गया, क्या ये फंक्शन है? एक इनपुट आ रहा है, आउटपुट ही नहीं आ रही है, मैंने इनपुट डाला था, बाहर कुछ आया नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। इजी वे टू रिमेंबर, एवरी सन हैज ए यूनिक फादर। हाँ, ये बात तो जीवन में समझ आ रही है, एवरी सन हैज ए यूनिक फादर, हर एक जो आकदा एक बापू था, और एक ही होएगा, बापू हमेशा यूनिक ही होता है। यस, वो पिक्चर आई थी एक, कौन सी थी, सुनील शेट्टी की पिक्चर थी एक, बड़ी पुरानी कोई पिक्चर, मैं नाम भूल गया, आप कहते हो मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। उसके अंदर क्या था, वो कहता मेरे दो दो बाप, वो एक मंदिर में होता है, एक चोर होता है वो अंदर जाके छुपा होता है, वो एक बाहर होता है मंदिर में मत्था टेक रहा होता है, वो अंदर देखता है जुड़वा होते हैं उसमें, तो यहाँ तो जुड़वा वो तो पिक्चर थी ना। यस यस, तो वो मेरे दो दो बाप वाली बात वहां नहीं चलेगी। लाइफ में क्या, एवरी सन इज ए यूनिक फादर। यस, उसको तो धोखा हो गया था, क्या पिक्चर का नाम पता लगा, गोपी किशन। अरे वाह, हमारी उषा जी, आकांक्षा, जसविंदर, मेरे को तो याद ही नहीं था पिक्चर का नाम। यस, गोपी वाली पिक्चर, गुड गुड पेज। देखो कितने साल पुरानी पिक्चर देखी, तुहानू होने तक याद है ना, एवी इलेक्चर ने ये तुहानू एवे खूब जने ने, बस आते थे विश्वास रखा जाए, कदे डाउट कितना कोई पिक्चर देखने बाद मेरे को स्टोरी भूल गई तो, और लेक्चर सुनने से पहले क्या सुनते हो, हाय भूल गया तो, क्यों? माइंड का फर्क है, वहां माइंड को इंस्ट्रक्शन क्या है, इंजॉय करते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या है, पूर्णो है, यहाँ भी सोच लो भाई इंजॉय करते हैं। यस, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ इंजॉय करते हुए, आप भी पढ़ाई कर लो इंजॉय करते हुए, अभी तक तो शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों ने, एज ए फन लोगे कभी नहीं भूलेगा। कितनों का बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स। अगर आप अंदर से रिलैक्स होकर पढ़ोगे, खुश होकर पढ़ोगे, तो ये भी पिक्चर लगेगी और हमेशा याद रहेगी। यस, सो एवरी सन इज यूनिक फादर, इसको समझते हैं। यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक। सो हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट को सन ले लेते हैं, दूसरे को फादर ले लेते हैं, तो सन फादर, सन फादर। अब समझते हैं ये सन है, वन सन के फादर कौन है, दो दो बाप, फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एवरी सन है यूनिक फादर, हर एक ये सन ये फादर। वन का अब थ्री का फादर ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, बच्चा कहाँ से पैदा हुआ, किसी ने तो किया ना, तो फादर तो उसको होना चाहिए, ये भी फंक्शन नहीं है। सो सन को मैंने क्या बोल दिया, एलिमेंट ऑफ ए, फादर को क्या बोल दिया, एलिमेंट ऑफ बी। बोलो मेरे साथ, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ए हैव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए का एक एलिमेंट, ए से ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ये फंक्शन का डेफिनेशन होता है। यस, सो जब भी फंक्शन का डेफिनेशन बुक्स में लिखा होता है, जो वो क्या होता है, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट लेंगे, टू सेट्स नॉन एम्प्टी, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, तो हमेशा फंक्शन हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं,
मैंने आपके सामने चार चीजें दे रखी है, देखते हैं कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। यस रिधिमा जी, इसमें सारा रिपीट कर दूंगा, अभी जो बच्चे अभी अभी आए पूरी क्लैरिटी के लिए भी रिपीट भी कर देंगे। ये मैंने ए सेट ले लिया, ये बी सेट ले लिया, ये तो आपको समझ आ गया। ए वन से जुड़ा आपा भी जोड़ दिया, ए के पापा वन ऐसे बोलेंगे हम, बी के पापा टू, बी बच्चा है ना, ये सन है ये फादर है, फिर सी के पापा चार जीवन में हो सकता है, डी के भी चार, चार के दो बच्चे, और सी के चार डी के चार, डी का तीन भी, ये नहीं हो सकता, डी चार से भी जुड़ गया तीन से, एक बच्चे के दो बाप तो नहीं हो सकते, ये तो फंक्शन नहीं होगा। ए बी सी डी ई कितने गई सी, मासी करे गई सी, वन टू थ्री फोर, ए का पापा वन, बी के फादर टू, सी के फादर थ्री, डी के फादर फोर, ई के फोर, हाँ ये तो हो सकता है, ये इसको समझ लो, ये हो सकता है लाइफ में, ऐसा हो सकता है ना, ए के फादर वन बिल्कुल, बी के सी के डी और ई दोनों के फोर है, हाँ एक बाप के दो बच्चे हो सकता है, दिस इज गुड। सो पहले को सन ले लो, दूसरे को फादर, कितना सोखा देखना, कितने को सोखा लगा, गिव मी सोखा, सोखा मीन्स सोखा पंजाबी में, इफ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट इजी, इजी मीन्स सोखा। आप लुक एट दिस ए बी सी डी ई वन टू थ्री, अभी डी और ई के पापा ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, जा ही नहीं रहे कहीं भी, फेल, ये तो फेल हो गया काम, फंक्शन नहीं है इसमें, क्या चक्कर है, ये भी सही लग रहा है यार, इसमें ई है ही नहीं, सी थ्री से भी जुड़ गया, सी फोर से भी जुड़ गया, सी के दो है, ऐसा तो नहीं हो सकता, एक बेटे के बच्चे के दो बाप, ये भी नहीं हो सकता, और ई जुड़ा ही नहीं हुआ। सो याद रखो, फंक्शन में दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एवरी, एक यूनिक, हर एक पहले सेट का एलिमेंट जुड़ा होना जरूरी है, सारे जुड़े होने चाहिए एवरी, और दूसरा यूनिक, एक यूनिक से जुड़ेगा। यस ये आर्मी के पेपर में आया था क्वेश्चन, ओके सो आपको फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन उतना ही था, एवरी सन इज ए यूनिक फादर, फिनिश। फंक्शन की टाइप्स देखते हैं, मेरी एग्जांपल ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। ये चार मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, पहला देखो, पहला बन गया, वन एक्स को गया, टू जेड को गया, थ्री भी जेड को गया, फोर, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है बिल्कुल। सन फादर चेक कर लो, ये भी फंक्शन है, फादर तो ऐसा कोई हो सकता है जिसका बच्चा ना हो सकता है यार, अभी बच्चा नहीं है, हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये सारे के सारे फंक्शन है, ये बात तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, ऑल फोर आर फंक्शंस, गिव मी फोर इन द चैट बॉक्स। यस, फर्स्ट को सन लेना है, दूसरे वाले को फादर लेना है, और क्या देखना है मैं फिर बता देता, अगर कोई क्लास में लेट है, एवरी सन हैज ए यूनिक फादर, अभी तक मैंने इतना ही पढ़ाया है, आज की क्लास एक भी पॉइंट मिस ना करना, वापिस से बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, आपकी जिंदगी की बेस्ट क्लास में से एक होगी, ये ऐसे दे देगा, ये क्लास आपको सिलेक्शन देगा, इस सोच और भाव के साथ बनाया, हर क्लास में हमारा ऐसा होता है, ये सन है ये फादर है, जो लाइफ में होता है वो हर जगह होता है, फादर तो ऐसा हो सकता है जिसका सन ना हो, बिल्कुल सन ऐसा नहीं हो सकता जिसका फादर ना हो, ये सारी एग्जांपल एकदम ठीक है। नाउ आप ना नंबर ऑफ सन काउंट करो, नंबर ऑफ सन काउंट करो, यहां पे मैंने फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ सन काउंट किए, नंबर ऑफ सन एक्स का एक, वाई का भी एक, जेड के दो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे भी नंबर ऑफ सन काउंट कर रहा हूं, एक्स का एक, वाई का भी एक, दोनों का एक एक है, उल्टा देख रहा हूं भी। अब यहां पे नंबर ऑफ सन काउंट कर रहा हूं, एक्स का वन, वाई का थ्री, जेड वाई का भी वन,
जेड का भी वन, कितने नंबर हैं? ऐसे इधर भी काउंट करते हैं, दो है, वन है और जीरो है, दो है, यहाँ पे जीरो भी आ रहा है, यस। कितनों को चारों बॉक्स क्लियर हो गए? मैंने नंबर ऑफ सन काउंट किए, जैसे इसमें मैंने कैसे किया, एक्स के कितने बच्चे हैं? दो, वाई का एक, जेड का कोई भी नहीं, यस। Got it? Yes, साजिया। So, मैंने नंबर ऑफ सन काउंट कर दिए। अब जो पहला केस है हमारे पास, उसमें हमेशा वन या उससे ज्यादा है, तो इसे लिख सकते हैं हम एटलीस्ट वन सन, कम से कम एक तो है, कम से कम एक तो है। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। यहां पे वन वन लिख रखा है, यहां पे आएगा ऑन टू फंक्शंस, एटमोस्ट वन या जीरो या वन, इसे हम कहते हैं केस टू, वन वन फंक्शन, यस। केस थ्री बाइजेक्टिव, वन वन भी और ऑन टू भी है, यस। ए इनको ठीक कर दो, ऑन टू की जगह वन वन, वन वन की जगह ऑन टू, हाँ ये मैंने कर दिया, राइट। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल भाषा है, ध्यान से समझना। आपने कोई फंक्शन आपको दे रखा होगा, ये मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, पेपर में चार क्वेश्चन इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई एक क्वेश्चन आ गया मान लो, और आपने नंबर ऑफ सन काउंट करने हैं। कितना इजी है नंबर ऑफ सन, अगर हर एक फादर का सन है एटलीस्ट वन है, तो आप कहोगे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, क्लियर? ऑन टू मतलब हर एक फादर का सन होना जरूरी है, बोलो, हर एक फादर का सन होना जरूरी है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, या तो नहीं होगा या एक होगा। एग्जैक्टली वन, अब एग्जैक्टली वन, वन दोनों में आ गया, यस। सो ऑन टू में एटलीस्ट वन सर, एटलीस्ट वन, वन वन में एटमोस्ट वन सर, एटमोस्ट मतलब होता है जीरो या वन, यहां पे वन से ज्यादा, वन से आगे बढ़ना ऑन टू, वन या जीरो वन वन, दोनों हो गया बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब जो वन वन और ऑन टू है, बाई बाई, एक एक, एक 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 एक, तो इसका होता है एक एक एक। अब इसमें जीरो भी आ गया, वन भी आ गया, टू भी आ गया, ना तो ये वन वन हुआ ना ही ऑन टू हुआ, क्योंकि वन वन में सिर्फ जीरो वन होना चाहिए था, इसमें ज्यादा भी है, ऑन टू में जीरो नहीं आता, सो ना वन वन हुआ ना ऑन टू हुआ, यस। तो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। कौन सी टाइप पढ़ी हमने, वन वन और ऑन टू, फिर वन वन ऑन टू दोनों है, फिर दोनों नहीं है, राइट। जितना सुनोगे ना कंसेप्ट को, उतना पक्का होता जाएगा, यस। आप में से कोई ऐसा है जिसको फंक्शन या टाइप्स ऑफ फंक्शन में कभी भी डाउट था, अभी सुपर क्लियर हो गया है, मुझे ऐसे लिख दो चैट में। तो बाइजेक्टिव में क्या होता है, एवरी फादर हैज एग्जैक्टली वन सन, हम यहां पे लिख सकते हैं एग्जैक्टली वन सन, गुड। देखो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में चीजें समझा रहा हूँ जो सबके अंदर जा सकता है। पापा के बच्चे गिनने हैं भाई, एक मल्ले में गए, देखा हर घर के जो जो जिनकी शादी हो चुकी है उनके बच्चे देख लिए, किसी का बच्चा था वन, किसी का नहीं था। हम बोलेंगे यार ये मल्ला तो वन वन फैमिली वाला है। फिर हमें नए मल्ले में गए, उसमें देखा हर एक का कम से कम एक बच्चा था, एक या दो या तीन, या क्रिकेट टीम थी पूरी, ऑन टू हो गया, ऑन टू में सबको होना जरूरी है। फिर एक नई मल्ले में चले गए जिसमें सिर्फ एक था, एक बाप एक बच्चा, एक बाप एक बच्चा, एक बाप एक बच्चा, एक बाप एक बच्चा, मतलब यहाँ ना मैं सन लिख रहा हूँ, आप डॉटर भी लिख सकते हो, कोई एग्जांपल तो समझानी पड़ती है ना, बात समझ में आ गई ना। तो वन वन ऑन टू दोनों हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, जहाँ पे पता ही नहीं है किसी का जीरो, किसी का वन, किसी का कुछ, ना वन वन ना ऑन टू। चलो अब तो बैठ गया होगा, एम एस सी में कभी समझ नहीं आया था, यस। सो अब ऑब्जर्व क्या किया आपने, वन वन ऑन टू में हमेशा ऑर्डर सेम होगा, दोनों सेट ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही है ना, ए में भी तीन एलिमेंट, बी में। अब मैंने क्या गेम खेलते हैं, हमने एक नया सेट ले लिया ए टू ए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है जो खुद से खुद के ऊपर जा रहा है ए टू ए। अगर ऐसा हो जाए,
ऐसे प्यारे फंक्शन को बोलते हैं परमोटेशन। कईयों ने प्लस वन से लेके इतनी बार परमोटेशन पढ़ लिया, डेफिनेशन पहली बार पढ़ेंगे। परमोटेशन का डेफिनेशन है, परमोटेशन एक फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जो खुद से खुद पर जाता है, ए टू ए जाता है, और वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। मेरे साथ परमोटेशन इज ए फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू एंड फ्रॉम सेम सेट टू इटसेल्फ। सो परमोटेशन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद से खुद पर जाता है, जो वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऐसे बना लो याद रखने के लिए, यहाँ पे वन वन लिख लो, यहाँ पे ऑन टू लिख लो, ये डायग्राम याद रख लो, इसे परमोटेशन कहते हैं। खुद से खुद पर वन वन भी है और ऑन टू भी है, यस, इसे कहते हैं परमोटेशन, राइट। एक सेट ले लिया वन वन। सो पॉसिबल परमोटेशन क्या हो सकते हैं, चेतन सर ने बताया था सेम सेट टू सेम सेट ले लिया, डेफिनेशन अप्लाई करने सिखा रहा हूं, वन वन पे गया टू टू पे गया, और क्या हो सकता था, वन टू पे टू वन पे, बताओ इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, वन वन पे गया टू टू पे गया वन टू पे गया। आपको पता है अगर आपने रिलेशन चैप्टर कभी पढ़ा हो, ऐसी शक्ल हो ना जिसमें वन वन भी है टू टू भी है, खुद का खुद के साथ रिश्ता है, ऐसे को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ऐसे को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, हम इसे आइडेंटिटी परमोटेशन बोलेंगे। yes. कितनों ने ऑब्जर्व किया, कितनों ने पढ़ा हुआ रिलेशन चैप्टर कभी भी, सो आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी परमोटेशन सेम, मतलब खुद का खुद, वन वन पे जाएगा टू टू पे जाएगा थ्री थ्री पे जाएगा, yes. सेम टू सेम पे जाएगा। यस yes, मधु वेरी गुड, ओ थैंक यू जयपाल। यस देखो सारा मैथ जुड़ा हुआ है। अब इसको हम एक नई डायग्राम में रखेंगे, ये डायग्राम ना आपने कभी ना कभी देखी होती है, एरो डायग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे वन वन टू टू, इसे एरो फॉर्म कहते हैं। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को तीन तरीकों से लिखना सिखा दिया, मैंने पहले ही बोल दिया ये आपकी जिंदगी का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग लेसन होगा जो आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, एक एक चीज एनिमेशन से दिखाने वाला, इसे साइक्लिक फॉर्म भी कहते हैं। देखो मैंने चार चीजें लिखी है, एक चीज को लिखने की चार चीजें लिखी है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो आप इसको देखना अच्छे से, ये पहला मेथड है, इसे बोलते हैं एरो डायग्राम। इसको देख के ये समझ में आता है वन टू पे जा रहा है टू वन पे जा रहा है, मतलब अगर वन इनपुट है तो उसका आंसर टू है, अगर टू इनपुट है तो उसका आंसर वन है। एरो डायग्राम क्लियर, गिव मी ए डी इन द चैट बॉक्स। अब मैंने इसको लिख दिया ऐसे इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसे, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। फिर तीसरे वाले को बोलते हैं एरे फॉर्म, दिस इज एरे फॉर्म। इसमें जैसे इसमें आमने सामने लिखते हैं ना, इसके अंदर ऊपर नीचे लिखते हैं, वन टू पे गया वन टू से जुड़ गया टू वन के साथ एरो फॉर्म। ये सबसे छोटी फॉर्म होती है साइकिल फॉर्म, इसे साइकिल बोलते हैं। ये शॉर्टकट क्या बताता है, वन टू पे गया टू वन पे गया। इसको साइकिल फॉर्म को मैं अगली एग्जांपल में और डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको और मजा आए। मैं ना तीन एलिमेंट के ऊपर लेता हूं, दो के ऊपर बात रखने वाली नहीं है। पहले तो कितने पॉसिबल परमोटेशन हो सकते हैं इसको जोड़ेंगे। अगर मुझे फर्स्ट नंबर को किसी के साथ जोड़ना है, जैसे मैं भी करने वाला हूं, ये समझना, वन टू थ्री है वन टू थ्री है, पहले मैं इस वन को जोड़ना चाहता हूं। वन को जोड़ने गया, वन के पापा ढूंढने गया, कितने पापा थे, वन टू, या इनमें से कोई ना कोई एक होगा, तीन चॉइस थी। फिर सेकंड को ढूंढने गया, मान लो वन को वन से जोड़ दिया, टू को जोड़ने गया दो ऑप्शन थी, थ्री को जोड़ने गया एक ऑप्शन थी, दिस इज थ्री फैक्टोरियल। ऐसे ही जितने एलिमेंट होंगे उतने फैक्टोरियल बन जाएगा, यस। सो अगर थ्री सेट के ऊपर थ्री फैक्टोरियल, अब मन में आ गए सर क्या थ्री फैक्टोरियल आप लिख रहे हो, थोड़ा डिटेल में बताओ ना, लो जी एक एक चीज डिटेल में करते हैं। मैंने वन टू थ्री लिया, वन टू थ्री कैसे कैसे जोड़ सकता हूँ, आइडेंटिटी एक और ले लिया, वन वन पे गया टू थ्री पे गया थ्री टू पे गया, थ्री थ्री पे गया, जोड़ जोड़ के देखते हैं और क्या हो सकता है। इसमें वन वन पे गया था, इसमें थ्री थ्री पे गया था, इसमें टू टू पे गया था, वन टू पे गया था, टू थ्री पे गया था,
अच्छा वन टू पे गया, टू थ्री पे, थ्री पे वन पे, सारे उल्टे पुल्टे हो गए। अब मैंने छः लिख दिए, छः के अलावा कोई और बन सकता है? अब बताओ, नहीं बनेगा। अब फॉर्मूले को समझते हैं। पहले वन था, वन किस किस से जुड़ सकता है? वन वन से जुड़ सकता है, वन वन से जुड़ सकता है, वन टू से जुड़ सकता है, वन थ्री से जुड़ सकता है, वन टू से जुड़ सकता है, वन थ्री से जुड़ सकता है। वन के पास तीन ही तो ऑप्शन है, ऐसे टू के पास, सो थ्री फैक्टोरियल। यस, सो अगर एक सेट के अंदर तीन एलिमेंट है, उसके ऊपर कितनी परमोटेशन बनाई जा सकती है? थ्री फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ, अगर एक सेट के अंदर चार एलिमेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ परमोटेशन कितनी हो सकती है? वेरी गुड करण, गुड चेतना, गुड हर्षा, गुड तानिया, गुड कैलाश, गुड सुखविंदर, गुड राजवंत, मोना, वेरी गुड। तो आपको ये पता चल गया, बना के भी देखना 24। अभी हम बनाएंगे। अब इसका एरे फॉर्म लिखते हैं। एरे फॉर्म याद है ना, एक बार एनिमेशन देख लो, क्लियर हो जाएगा। रेड वाले रेड पे गए, ब्लू वाले पर्पल वाले इधर आ गए, मतलब पहले ये था, अब ये है। वन वन पे, टू टू पे, थ्री थ्री पे, सबकी एरे फॉर्म लिखते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, प्लस टू तक तो वही लिखते हैं फॉर्म। अब हम एरे फॉर्म तक क्लियर सबको, दिस इज ऑल क्लियर। अब हम इसको साइकिल में लिखेंगे, साइकिल फॉर्म। ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है, अडंटी, जब सब सेम बोले तो अडंटी। अगली साइकिल फॉर्म क्या बनेगी? टू थ्री, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, जो सेम रहेगा उसको छोड़ दो साइकिल फॉर्म लिखने के लिए। टू थ्री पे गया, थ्री टू पे गया, टू थ्री, इसका मतलब टू थ्री पे जा रहा है, थ्री टू पे जा रहा है, साइकिल बन गया ना, साइकिल बन रहा है। अब अगली को देखो, इतनी ब्यूटीफुल एनिमेशन है ना, जो पढ़ना है सिर्फ वही दिख रहा है, बाकी सब हाईलाइट हो चुका है। आई लव दैट एनिमेशन। अब इसमें क्या बनेगा? थ्री थ्री तो गया, वन टू टू वन, उसका साइकिल क्या बनेगा? वन टू, यस, बहुत मजा आ रहा है ना, यस। रिदिमा वो फंक्शन नहीं बनेगा ना, हम तो वन वन ऑन टू फंक्शन बना रहे हैं, यस। गुड जसप्रीत, अमेजिंग, मजा आ रहा है। गुड अमन, वर्ल्ड क्लास एनिमेशन मिल रही है। वन थ्री, ये साइकिल बड़ा अच्छा बनेगा, ये आपके काम बढ़ाएगा। देखो वन टू पे गया, टू थ्री पे गया, थ्री वन पे गया, ऐसे बनती साइकिल बन गया। अब लास्ट वाला आप बनाओ और मुझे चैट बॉक्स में बताओ, लास्ट वाला साइकिल आपने बनाना है। वाह 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 वाह, मोना जी बड़े होशियार हो, तुसी अट्टे चक रहे हो, वेरी गुड। वन थ्री टू, यस, तो साइकिल फॉर्म में भी लिख दिया, राइट। अब आज के बाद अब जो मर्जी किताब पकड़ लो, परमोटेशन खोल लो। वैसे इस लेक्चर के बाद किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक पढ़नी आ जाएगी, क्योंकि मैंने सारी तरह की फॉर्म्स बता दी। ये जो साइकिल होता है ना, साइकिल, साइकिल ऑफ लेंथ ए इज कॉल्ड एन साइकिल, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम? टू साइकिल। इसे क्या बोलेंगे हम? थ्री साइकिल। इसे क्या बोलेंगे? थ्री साइकिल। एक और चीज भी होती है, जो टू साइकिल होता है उसका एक स्पेशल नाम भी होता है, ट्रांसपोजिशन। यस, वन साइकिल, टू साइकिल, टू साइकिल, टू साइकिल, थ्री साइकिल, थ्री साइकिल, टू साइकिल को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। सिर्फ टू साइकिल का नाम है, थ्री साइकिल को थ्री बोलेंगे, एन को एन ही बोलेंगे। सो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे फोर साइकिल, जितने एलिमेंट है साइकिल में। सो रिवीजन कर लो, अभी तक क्या क्या पढ़ा? एरे फॉर्म पढ़ी, पहले एरे मेथड, फिर एरे फॉर्म और फिर साइकिल। सो ये सारी ट्रांसपोजिशंस हैं, यस, ट्रांसपोजिशंस। सो पॉसिबल परमोटेशंस हमने लिख दी, इन सबको नाम ही दे देते हैं साइकिल को। इसको डंटी, इसको सिग्मा टू दे देते हैं, वन टू वाले को सिग्मा थ्री दे देते हैं, वन थ्री वाले को, याद ही रख लेना। वन टू वाली को टू दे दिया नाम, वन थ्री वाले को थ्री, ऐसा जरूरी नहीं आपा दिया नाम ये।
ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं देते। फोर्थ में हम 2 3 रख लेते हैं, 5 में 1 2 3, 6 में 1 3 2। कितनों को 6 के 6 याद हो गए? मुझे एक एक चीज याद में चाहिए आपको। यस, गुड रेनू, गुड संदीप, गुड अखिलेश, गुड स्टडी पॉइंट, गुड वीरपाल, वाह, गुड शिवाली। यस, अब सब में 1 देखते हैं कहां पे जाता है। सिग्मा 1 में 1 पुट करो इनपुट, आंसर क्या आ रहा है? 1। दूसरी में 1 देखते हैं कहां पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है। वाह, ये तो मजेदार है ना, हमने सबका 1 देखा, 1 अलग अलग पे जा रहा है। अब 2 ऐसी थी जिसमें 1 सेम पे जा रहा था, जिस पे सेम पे जा रहा है उन्हें कहते हैं फिक्स एलिमेंट। सो सिग्मा 1 और सिग्मा 4 फिक्स एलिमेंट 1। क्लियर? कौन किसको फिक्स कर रहा है? चलो अब मजा आने वाला है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको किसी चीज को देखने के कितने तरीके, आपको खुद से मैथमेटिक्स पढ़ना आ जाए वो सारी चीज यहां पे करवा रहा हूं। अभी जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं ना, इसमें आप इतना मजा करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा यार मैं खुद कोई भी टॉपिक पढ़ सकता हूं। मेरा मोटिव ही है आप लोगों को लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना, आप लोगों को मैथमेटिक्स में इंडिपेंडेंट बनाना। इंडिपेंडेंट हमारी सोच है, एक बार मन में आ जाता है ना यार आई कैन, हो जाता है। वो चाहे पैसा कमाना हो, वो चाहे लेक्चर देना हो, चाहे खुद का पढ़ना हो, ये कॉन्फिडेंस बन जाता है। ये नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, एक काम करने से दूसरे में हेल्प हो जाती है। मान लो आपको इतना अच्छा लग रहा है पढ़ के और आपको कॉन्फिडेंस बन रहा है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा मेरी जॉब निकल जाएगी। फिर आपको ये लगेगा यार जॉब नहीं आ रही, मैं इतना अच्छा पढ़ लूं मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं। सब कुछ जुड़ा हुआ है। सो अगर आप इस लेक्चर को 100% दे रहे हो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में भी 100% ऑटोमेटिक हो जाओगे। दिस इज ऑल कनेक्टेड। जैसा जीवन में हम एक काम करते हैं वैसा सारे काम करते हैं। आई वांट आप सब लोग इसकी सारी की सारी परमोटेशन बनाओ। 24 बनेंगी वो आपको क्लियर है, आइडेंटिटी क्लियर है मन मन के साथ, सारी की सारी तुरंत बना दो। आई वॉन्ट टू सी योर पार्टिसिपेशन। मैंने बना के रखी हुई है, फटाफट बना लूंगा। स्टडी पॉइंट, जिसको भी पिक्चर क्लियर नहीं, 3 डॉट्स आपके अंदर है, यूट्यूब के ऊपर एडवांस सेटिंग्स है, वहां पे जाके आप अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। जल्दी से 24 को 24 लिखो। अब जो मैंने लिखा है, मैंने 3 को 3 पे रखा, 4 को 4 पे, इसका साइकिल बताओ चलो मुझे क्या बनेगा। हाँ, तमन्ना शर्मा जी लिख रहे हैं, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ योर पेड क्लासेस, मस्ट से आई एंजॉय स्टडिंग फ्रॉम योर क्लासेस, द कंसेप्ट यू टीच आर सो गुड एंड इन अ वेरी इजी मेथड, आई हैव अटेंडेड सुपर ओवर ऑफ ग्रुप थ्योरी एंड एंजॉयिंग अ लॉट। यस, थैंक यू तमन्ना जी। देखो कोई YouTube पे आके आपको डायरेक्ट आके इतना अच्छा लिख रहा है, ये बहुत प्राउड की बात है। और पता है इतने मेरे सालों की टीचिंग में लोग बोलते हैं YouTube पे लोग कुछ भी लिखते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे YouTube पे आके किसी ने कुछ लिखा हो। और अगर किसी कोई आ भी जाता है ऐसा शरारती, अच्छा होता है, एक बार लेक्चर लगा लेता है उसके बाद उसको नहीं लिखता है। और अगर कोई ऐसे ही आ जाता है बच्चे खुद ही उसको बता देते हैं। चलो जल्दी से लिखो और उनके साइकिल भी बनाते चलो। All promotion done. Good Karan. So, जैसे आपने हमें मोटिवेट किया है आप हमें गाइड करते हो। आई कैन की जगह आई विल ही आता है माइंड में। गुड गुड गुड, बहुत ही अच्छा लगा यार। यस गुड सुप्रीत, ला 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 ला, बनाओ बनाओ। ये 24 तो आप बना सकते हो, मैंने टाइम से वो जो बना के रखे हुए हैं, पहले 2 साइकिल बना लिए फिर 3 साइकिल बना लिए। ये ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट वाला आई विल शो यू वन। नहीं पूरा आ गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। देखो 1 3 पे गया, 3 1 पे गया, साइकिल खत्म। ये नई चीज है आप लोगों के लिए। 2 और 4 अलग साइकिल है, मतलब इसे बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 2 ट्रांसपोजिशंस।
फिर फोर साइकिल आ गए, ए कितने हो गए, 24 मान गए 24। यस वेरी गुड वीरपाल, रियली सर कोचिंग फ्रॉम यू इज वर्थ इट, यू एंड द टीम इज डूइंग ऑसम, थैंक यू पूजा जी। सर जी आपने जब भी स्टार्ट किया होगा सोचा होगा ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ कभी टीचिंग करोगे, बट जो आप हार्डवर्क कर रहे हो है ना वो तो बिल्कुल, मैंने तो पहले से विजुलाइज किया था कई साल पहले, मैं एक एक चीज ऐसे पढ़ाऊंगा। मैंने एमएससी का बैच पढ़ाया था एक बार, उसमें ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी, इट वॉज 2014, वो कंचन स्वामी उस बैच में थे, मतलब काफी सारे बच्चे थे उसमें। फिर उसके बाद एक और बैच पढ़ाया था, तो उन दोनों बैचेस में जो बच्चे थे उनको मैंने सारी ये पूरा एनिमेशन के साथ उस समय भी पढ़ाया था। अपना ये 24 के 24 मुझे आपको याद करवाने हैं, कैसे याद कराऊंगा, देखो एक तो डंटी होगी है ना, फिर टू साइकिल कितने हैं, छः, फिर थ्री साइकिल कितने हैं, आठ, फिर फोर साइकिल कितने हैं, छः, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन है हमारे पास चार, चार तीन, एक दो तीन, सो मेरे पास वन साइकिल एक होता है, टू साइकिल छः है, थ्री साइकिल आठ है, फोर साइकिल मेरे पास छ है, छ आठ और छ 14 20 21 और तीन मेरे पास बचते हैं, टू इंटू टू साइकिल्स, टू इंटू टू लिख लेते हैं इसे, राइट ये टेबल आप भी बना लो। सर कुछ भी सोचती हूँ एंड में यही ख्याल आता है मास्टर कैडर करना है, वो तो आपका हो ही जाएगा यार। चेतन सर इज बेस्ट टीचर, ग्रुप दे टॉपिक था जो आज तक नहीं समझ आया था वो भी पढ़ के बहुत मजा आ रहा है भाई। अभी तो हम डायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, स्टैट्स पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड। ये तो दिसंबर की छुट्टी आने वाली है ना, 23 दिसंबर से लेके 24 संडे है शुरू हो जाएगा और 31 दिसंबर तक आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है, तैयार हो सरप्राइज के लिए। मतलब अगर किसी ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं भाई ये बेस्ट समय है, 24 से 31 दिसंबर तक शुरू अभी हो जाएगा उसका बेस बनना। अभी हम कल से रिंग शुरू कर लेंगे, रिंग थ्योरी के बाद फिर और फिर सारी की सारी ग्रेजुएशन पढ़ानी है, और इसमें 24 से 31 को मैंने स्पेशल डेज रखा है। यस आप सबको समझ आ रहा है क्या होने वाला है यहाँ पे 24 से 31 तक, हो सकता है एक तक छुट्टी हो तो हम उसको भी, तो 7-8 दिन आप रजाई के अंदर बैठ जाना, रजाई के अंदर बैठ के चाय का कप साथ रख लेना, साथ में चाय पीते रहना, रजाई में बैठते रहना, और हम क्या करेंगे आप समझ चुके हो। यस हाँ जी तुलिका जी मिलेगी, यस हाँ 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 मुंह में पानी आ गया है ना, तैयार हो जाओ, बहुत मजा आएगा। मैं कुछ बहुत स्पेशल क्लासेस आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है ये याद हो गया आपको, 1 6 8 6 3 के बड़े काम के आएंगे, ठीक है क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं। चलो ए साइकिल ऑफ ए साइकिल फॉर्म ऑफ दिस इज, चाय दी बोतल पर गए बहन, मैंने हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, अरे वो मेरे को भी तो हुआ था, ठीक हो जाएगा सब कुछ है ना। 10th की एक्स्ट्रा क्लासेज है, कोई नहीं आप शाम को पढ़ लिया करेंगे ज्यादा, बहुत मजा आने वाला है। गेस्ट गुस्ट को पहले ना बोल दो यार, दिसंबर में अपना ऊपर वाला घर का कमरा साफ रख लो, रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ने भी नहीं दूंगा आज रजाई बोल रहा हूँ, तब तो मैं बोलूंगा भाई गर्म पानी करके रखो, चाय भी छोड़ दो, सिप सिप करके पानी पीते रहो, टेबल चेयर पे बैठो, ताकि कमिटमेंट के साथ पढ़ेंगे अपा, सिलेक्शन तो तभी होगी ना। ये एक ही बात होती है, इनमें तो कोई फर्क नहीं है,
वन थ्री पे गया, थ्री फोर पे गया, फोर वन पे गया। इसका मतलब क्या है, थ्री फोर पे जा रहे हैं, फोर वन पे जा रहे हैं, वन थ्री पे जा रहे हैं, एक ही तो बात है। इसको ऐसा लिख के देख लो, है ना, वन थ्री पे गया, थ्री फोर पे गया, फोर वन पे गया, बात तो वही आ रही है, सो बोथ आर सेम। सो ए बी सी लिखो साइकिल में, बी सी ए लिखो, सी ए बी लिखो, एक ही बात है, ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी के बाद सी, बलवान। यस राइट। देखो अगर आप तरीके से पढ़ोगे ना, देखो सेकंड राउंड में भी भारी सिलेक्शन है ना, इतनी भारी फोटो भारी होगी क्योंकि तो भारी लिख दी होगा टीम वालों ने ना। तो अब देखो इतने बच्चों की सिलेक्शन सेकंड राउंड में हुई है, गवर्नमेंट ने इतनी पोस्टें निकाली सेकंड राउंड में, इतनी सी सीट्स ही निकाली थी, ऑलमोस्ट अपने बच्चे हैं और किसी के सारे बच्चे अपने क्लियर हुए हैं, है ना। अगर थोड़ी सी भी थर्ड लिस्ट निकालते हैं तो अपने बच्चे होने वाले हैं, मतलब सारी सीट्स अपने होने वाली हैं, जो आने वाली जॉब्स है आई एम सो श्योर इस प्रकार की तैयारी कर देंगे। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, अभी कल बताना था आज ही बता देते हैं। स्टैटिस्टिक्स के हमारी टीम के पास 306 क्वेश्चन थे, पहले 200 कुछ थे फिर 300 हुए, मैंने मतलब 200 क्वेश्चन के साथ भी पूरा स्टैट्स पढ़ाया जाता था, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन नए तैयार कर दिए हमने। तो ऐसे न्यूमेरिकल के जहाँ कुछ क्वेश्चन थे डबल ट्रिपल क्वेश्चन हो गए हर लेक्चर में, मतलब इतनी प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है, मज़ा आने वाला है। ये क्लियर हो गया ना, 17 पे गया, 7 कैसे देखते हैं, 17 पे, 75 पे, गेम की तरह 52 पे, 23 पे, 36 पे, 4 आया नहीं, मतलब 4 फिक्स था, तो जो जो आ रहे हैं देखना आ गया। हाँ जन सबकी आई थी, शिवानी जी देखते तो चलो, जैसे इसका बनाते हैं आप, 23 पे, 32 पे, यस नेक्स्ट टर्म हमारी है, यस बिल्कुल कमलेश जी बिल्कुल। टू थ्री, लेकिन उसने पूछा क्या है, कौन कौन से को फिक्स कर रही है, तो फिक्स कौन से हो गए, 1 और 4। विच ऑफ द अबव परमोटेशन फिक्स टू, कौन से टू को फिक्स कर रही है, देखो कौन से टू को फिक्स कर रही है। सर जॉब लग गई थानू फॉलो करदा सी, वाजी वाह, थैंक यू जी, आपके आपके पेरेंट्स को सबको बहुत बहुत बधाई। आज मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे जिनको जॉब लग चुकी है क्लास में थे, अभी अजय भाई भी था, आप भी आए, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते सर आपकी क्लास, उसके बाद मन ही नहीं करता, आप कभी भी क्लास लो, ये होता है ना, हम जाके सीखे। यस वीरपाल, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगली बार, इतनी मेहनत करेंगे मिलके, आपको क्या सर मजा ही आ गया। ये अरे नई चीज आ गई ना, सिग्मा स्क्वायर, इसको ऐसे देखो, सिग्मा स्क्वायर को, सिग्मा फोर का मतलब, सिग्मा में फोर कहां पे जा रहा है, फोर तो टू पे जा रहा है, अब टू कहां पे जा रहा है, टू तो थ्री पे जा रहा है, ये तो बात बन गई, देखो बनी कि नहीं बनी, कसक पूरा तेरे साथ हूँ यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स, आप तो पढ़ भी अच्छा रहे हो, सारी क्लासेस में आते हो। देखो जो बच्चा लाइव क्लास में आता है इसका मतलब मुझे पता चलता है वो कंसिस्टेंट है, या कभी नहीं लाइव में आ पाया, घर पे पढ़ रहा है अच्छे से लेकिन अच्छा पढ़ रहा है, जो लोग कंसिस्टेंट है ना यार उनकी सिलेक्शन तो होगी। कंसिस्टेंट में वीडियो भी करनी है, उसके बाद जो असाइनमेंट है वो भी करनी है, फिर आपको टेस्ट भी करना है, अभी आपका ग्रुप थ्री का टेस्ट, उसको लगाना अच्छे से। एफ स्क्वायर पहले टू देखना है, टू किस पे जा रहा है, वन पे, वन किस पे जा रहा है, टू पे।
अब विदाउट पेन करो ये वाला एफएस केयर, मतलब दो बार कैलकुलेशन करनी है। शुरू कहां से करनी है, टू से, टू इनपुट वन आउटपुट, ये पहला हो गया, फिर वन को देखा टू पे तो टू आंसर आ गया। गुड रजनी सिंगला जी, वेरी गुड। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं एफ की पावर फोर कितना होगा टू में, अब बताओ। गुड साजिया, गुड रिंपल, गुड फरजाना खां, यस दीप्ति, टू ही आएगा, गुड, मजा आ रहा है ना, यस yes. अब हम क्या करेंगे, फन करेंगे परमोटेशन के साथ। हमने प्री रिक्वेस्ट इतने अच्छे से कर लिया, देखो अभी तक हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, मैंने ग्रुप का नाम भी नहीं दिया, इतने अच्छे से बेस बना दिया आपका। अब पूरा फन करेंगे फिर ग्रुप के ऊपर आएंगे। अब इस फन में क्या करेंगे, मैं आपको नई नई चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा इसमें, क्वेश्चंस करोगे। ये देखो कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, ऑर्डर पढ़ेंगे और इनवर्स पढ़ेंगे, यस। ये हमारे आने वाले टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी न्यूमेरिकल, स्टैट्स, डायनेमिक्स, ग्रुप थ्योरी हमने पढ़ लिया, अभी डिफरेंशियल, रियल, लीनियर, इंटेग्रल, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ पढ़ेंगे हम। चलो कॉम्पोजिशन करना सिखा रहा हूँ, मतलब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आपस में जोड़ना कैसे, दो को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन दोनों को। रेडी टू लर्न? देखो सबसे पहले हम उल्टा देखते हैं, वन को देखा, वन किस पे जा रहा है, टू पे, पीछे वाले में, फिर इधर से जो टू पकड़ा हम इधर लेके गए, टू किस पे जा रहा है, वन पे, तो वन किस पे जाएगा, वन पे। मैं एनिमेशन से करता हूँ, टीम ने इतनी अच्छी बनाई हुई है, आई टेक पंगा, यस। वन टू पे गया, टू टू पे गया, टू को देखा वन पे आ गया, तो वन वन पे आ गया, ये पिक्चर क्लियर कर लो। अब टू का आप बताओगे, ये टू का बताना है, टू के नीचे पीछे से शुरू करना है, टू वन पे आ गया, अब वन पे चले गए, वन थ्री पे आ गया, टू थ्री पे आ गया, गुड। अब थ्री का देखते हैं, थ्री थ्री पे आ गया, थ्री टू पे गया, आया है, कितना क्लैरिटी कैसा चीजें बताई है यार। मैं आपको ना इसका लॉजिक भी बताता हूँ ऐसे क्या है। छोटे होते हैं ना आप ये पढ़ते हो, मान लो इसको मैं कह देता हूँ एफ ऑफ जी प्लस टू में, ये बिल्कुल वैसे है जैसे सिग्मा ऑफ अल्फा एक्स, सिग्मा ऑफ, इसे अल्फा नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लैम्डा। मैंने वन का देखना है, अब लैम्डा के अंदर वन कौन है, ये लैम्डा है, वन टू पे गया, तो सिग्मा के अंदर टू किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। मैं एक और एक और एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो मुझे थ्री की इमेज देख रही है, लैम्डा के अंदर थ्री किस पे जा रहा है, लैम्डा के अंदर थ्री जा रहा है थ्री थ्री पे, तो सिग्मा के अंदर थ्री किस पे जा रहा है, टू पे। तो दिस इज सेम एज कॉम्पोजिशन। अब आपको ये भी आंसर बता रहा हूँ, पीछे से क्यों शुरू किया, मन में आएगा ना, छोटी छोटी चीज क्लियर करो, पीछे वाला क्यों शुरू किया, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ ना एफ ऑफ जी एक्स, पहले किसकी इमेज देखी जाती है, जी की, पीछे वाले की, फिर एफ की देखी जाती है, यस, तो दैट इज अ लॉजिक। अब इसका साइकिल फॉर्म, वन थ्री पे जा रहा है, थ्री टू पे जा रहा है, ये तो वन टू थ्री तो सेम ही हो गया। अब साइकिल फॉर्म में भी मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करते हैं, देखो वन टू पे गया, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, है ना, ऐसे हर टॉपिक पक्का होगा। टू उधर चले गए, टू वन पे गया, तो वन वन पे जा रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो अपने मेथड से, जो मेथड आपको आता है। अगर मैं आपको बोलूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वन टू पे गया, टू वन पे गया, टू वन पे गया, वन थ्री पे गया, थ्री थ्री पे गया, थ्री टू पे गया, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो टू थ्री। आप ऐसे लिखोगे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मेथड तो आपको आ गया, ये मेथड तो आपको आ चुका है, यस। सीधा साइकिल फॉर्म से साइकिल की मल्टीप्लाई भी करो, प्रैक्टिस करो,
तो आज आपने प्रॉमिस करना है इसकी और प्रैक्टिस करोगे, मैं भी करवाने वाला हूँ। yes. अब प्रैक्टिस से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। yes. जैसे ये वाला मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो एक एक चीज बड़े प्यार से सीखना। अब इसमें दो तरीके हैं यार, मैं ना आपको शॉर्टकट में सिखाना चाहता हूँ, पहले लॉन्ग कट सिखा देता हूँ। राइट right? ओके पहले लॉन्ग कट सिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 पहले मैं इसको लिख रहा हूँ। 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया, 4 5 6 फिक्स है। अब मैं दूसरे वाले को लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप मेरे को यस करके लिखते रहना। 4 5 पे गया, 5 6 पे गया, 4 5 पे, 5 6 पे, 6 3 पे गया और 3 4 पे गया, जो बच गए सेम है। पहले ये बताओ साइकिल, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों लिखनी आ गई तो मुझे 2 लिख दो। अगर आपको ये दोनों लिखनी आ गई, दोनों का मीनिंग सेम है। 1 2 3 का मीनिंग यहां पर ये है। मैंने 6 एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि 6 दिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 है। ये पहला स्टेप है, हम पेपर में ये फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए भी, मतलब आपको कोई भी किताब देखो, कुछ भी देखो, कोई पेपर का क्वेश्चन देखो, आपको पता हो ये फॉर्म मुझे लिखनी आ गई। इस फॉर्म को बोलते हैं एरो फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं साइकिल। तो आपको ए फॉर एरो फॉर्म और सी फॉर साइकिल दोनों क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप सिखाने जा रहा हूँ, आई एम चेंजिंग द कलर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर तो यही रहेगा फिक्स। अब देखो पीछे से शुरू करते हैं। 1 1 पे गया, 1 2 पे गया, ये वाला पहले पीछे देखा, 1 1 पे, फिर जो आंसर आया इसको ऊपर ले गए, ये 2 पे आ गया। अब अगला 2 2 पे गया, 2 3 पे गया, अब 3 का देखते हैं, 3 4 पे गया, इधर 4 का देखा, 4 4 पे गया, 4 5 पे गया, 5 5 पे गया, 5 6 पे गया, 6 6 पे गया, 6 3 पे गया, 3 1 पे गया, ये मल्टीप्लाई किया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 4 पे गया, 4 5 पे गया, 5 6 पे गया, ये आंसर आ गया। ये था लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड क्लियर है, मुझे LM लिख दो। अब तो 100% सबको समझ आ गया होगा। सर ने पहले साइकिल को एरो फॉर्म में लिखा, एरो फॉर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर ये किया। अब मैं शॉर्टकट सिखाने वाला हूं। देखो शॉर्ट फॉर्म पीछे से शुरू करना है। आप पहले 1 का देख लो, इसमें 1 नहीं है, पीछे वाले में 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 पे गया और इधर 1 2 पे गया, 1 2 पे गया। अब पीछे वाले में 2 देख रहे हैं, 2 नहीं लिखा मतलब 2 2 पे गया, 2 3 पे गया। यहां पे अपन नीचे लिखते हैं ना, इधर शायद में लिखते हैं साइकिल में, 3 इधर 3 गया 4 पे, इधर 4 है ही नहीं, सेम हो गया। इधर 4 5 पे गया, उधर 5 है ही नहीं, 5 6 पे गया, इधर है ही नहीं। ये था डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट मेथड। सो अब शॉर्ट मेथड भी क्लियर है, मुझे SM लिख दो। दोनों मेथड क्लियर हो गए? यस। देखो आपको दोनों मेथड ही आने चाहिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। यस। अभी और चांस मिलेंगे आपको, मैं खूब प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। सी स्केयर निकाले यहां, पहले लॉन्ग से 3 मेथड से सिखा सकता हूं इस क्वेश्चन को। इसी को चेतन सर की प्रैक्टिस बोलते हैं, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में। सी स्केयर मतलब सी इंटू सी, 1 2 3 4 1 2 3 मेथड से सिखाऊंगा। देखो उल्टा शुरू करते हैं। मनप्रीत कौर, अभी खूब सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। वन वन पे गया,
वन वन पे गया, टू टू पे गया, नहीं मैंने लिखते हुए गलती कर दी, मैंने क्या गलती की, से आइडेंटिटी कोई दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, ए हम इरेज को यहाँ पे इरेज करते हैं, चल जा पेन, चल गया, देखो वन टू पे गया, टू थ्री पे गया, थ्री फोर पे गया, फोर वन पे गया, अब सही लिखा है, लो जी अब सबको साइकिल फॉर्म से एरो फॉर्म लिखना आ गया, गिव मी सी ए इन द चैट बॉक्स, साइकिल टू एरो फॉर्म, इतने प्यार से तो कोई नहीं पढ़ाया हमें, एक एक चीज, अब देखो वन टू पे गया, टू थ्री पे गया, सो वन थ्री पे गया, टू थ्री पे गया, थ्री फोर पे गया, टू थ्री पे, थ्री फोर पे, अब थ्री फोर पे गया, फोर वन पे गया, सो थ्री वन पे चला गया, फोर वन पे गया, वन टू पे गया, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वन थ्री टू फोर, यस टू रो मैट्रिक्स क्यों बनी, क्योंकि सी टू है, नहीं गुनिका जी आप शायद लेक्चर में अभी अभी आए हो, अब शॉर्ट वाला रिपीट करूंगा, सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, रेडी विद मी, उल्टा शुरू करते होते, वन टू पे गया इधर, फिर अब इधर आके देखो टू थ्री पे गया, पहले वन का देखा टू पे, टू थ्री पे, वन थ्री पे गया, राइट अब यहां पे जो पिछला एलिमेंट आ गया वहां से शुरू करते हैं, थ्री फोर पे गया, फोर वन पे गया, सो थ्री वन पे गया, खत्म काम, अब टू का देखते हैं, टू थ्री पे गया, थ्री फोर पे गया, फोर अपने आप ही चला गया, यस ये था दूसरा मेथड, अब तीसरा मेथड, इसका तीसरा मेथड तो बड़ा ही प्यारा है, देखो जी सुनना एक ट्रिक है इसकी, आपके पास मान लो अल्फा है वन टू थ्री फोर, ये दे रखा अल्फा, ये सी ले लो, शॉर्टकट से कह रहा हूं, सी स्केयर पता क्या होगा, वन टू पे गया था ना, वन थ्री पे चला जाएगा, मैं वन टू थ्री फोर, वन टू पे था ये थ्री फोर, एक एक आगे चला जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ, थ्री फोर वन टू, थ्री फोर वन टू, साइकिल बनेगा, मान लो सी क्यूब लिखना क्या होएगा, फोर वन टू थ्री, सी फोर क्या होगा, वन, देखो लॉन्ग मेथड तो सबको क्लियर है ना, शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे, है ना, कहीं को शॉर्ट क्लियर होगा, पहले अब लॉन्ग मेथड की प्रैक्टिस करो, ये सी ले लो, फिर सी स्केयर निकाल लो, सी क्यूब सी फोर, फिर चारों को ऐसे देखो प्यार से, निहारो थोड़ा सा, किसी को प्यार से कैसे देखते हो ना, एक बारी देख ले मैनु, ये सब भी यही कह रहा है, ध्यान से देखो क्या बनेगा, ये साइकिल था फोर लेंथ वाला, जैसे ही इसकी पावर फोर की, अडंटी बन गया, अडंटी बन गया, यस मजा आया, अब इसको विदाउट पेन सीख सकते हैं हम, एक एक छोड़ के लिखना होता है, जैसे पहले वन टू पे जा रहा था, फिर वन थ्री पे चला गया, फिर वन फोर पे चला गया, फिर वापस वन वन पे चला गया, तो साइकिल घूम जाएगा, यस यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा मेरे को दे रखा है वन टू थ्री, तो अल्फा क्यूब कितना होगा, देखता है कौन सबसे पहले आंसर देगा, नो वर्ड फॉर अमेजिंग ट्रिक, मैंने कहा था मजा तो आएगा,
जो मुझे पूरा सुन रहे हैं बड़े प्यार से, प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। यस, वेरी गुड, एनएनटी बन जाएगी राइट। अल्फा स्क्वायर क्या होगा पता है? 132, क्योंकि 1 पहले 2 पे तब 3 पे चला है, जंप करेगा एक जंप, जैसे यहां पे भी स्क्वायर निकाला था 1 3 पे चला गया। अब शॉर्टकट भी सीख लो, 1 3 पे जा रहे हैं, पहले 1 2 पे था, स्क्वायर करने पे 2 छोड़ दो 3 पे, क्यूब करने पे वो 2 स्टेप छोड़ देगा, 1 4 पे चला जाएगा। यहां एक बड़ी बात समझ में आ गई, अगर अल्फा मेरा 1 2 3 है, लिख लो ये इंपोर्टेंट करके लिख लो कॉपी के कहीं, अल्फा 1 2 3 है तो अल्फा स्क्वायर 1 3 2 होगा, ये पक्का कर लो। ये अल्फा हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एक और चीज बता दूं, बन कर रहा है ये लिख लो फिर, अगर कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 वाला, इसके ऊपर परमोटेशन बनाई मैंने आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ये पता कैसे हो जाएगी, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ग्रुप बनेगा। आगे जाके हम देखेंगे इसको आज। यस, हाउ इट गोज फ्रॉम 1 to 4 इन 3। सी क्यूब निकालो ना मेरा बेटा, सी क्यूब कैसे निकालोगे, सी स्केयर इंटू सी, सी स्केयर की वैल्यू और सी की भी वैल्यू, मल्टीप्लाई करके देख लो, कंपोजिशन तो आपको आ ही गया। यस, अभी आने वाले 10 मिनट में आप सारे क्वेश्चन विदाउट पेन करना शुरू कर दोगे, यही तो मजा आने वाला है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, विदाउट पेन करोगे आप। इसमें 1 किस पे गया बोल बोल के, 1 है ही नहीं सर, 1 1 पे गया, किस पे 1 2 पे गया, चलो 2 किस पे गया 3 पे, 3 किस पे गया 1 पे, 2 3 पे 3 1 पे, इसका मतलब 2 3 पे गया 3 1 पे गया, 2 1 पे बात खत्म होगी, 1 2 आ गया। सो 1 2 3 into 2 3 is 1 2, मजा आएगा, वो बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आज। चलो देखते हैं कौन आंसर सही देगा। चलो 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 चलो, सेकंड वाले का आंसर चाहिए मुझे। 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, अब 3 का देखते हैं, 3 1 पे गया, 1 था ही नहीं तो 3 1 1 1। यस, ए ऑप्शन बी ऑप्शन बहुत आर परफेक्ट। कितनों को करना आ गया ये, मुझे वाव लिख दो चैट में, जिनको मल्टीप्लाई करना आ चुका है। यस, कोई नई चीज सीखते हैं ना, इस भाव से बैठते हैं, मैं सीखूंगा तो आएगा आएगा। मुझे बताना 1 2 3 इंटू 4 5 कितना होगा, वो देखना ऊपर ध्यान से, 1 2 3 को 2 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 3 को 1 2 3 से, अलग अलग आंसर आए, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा मैंने सोचा ना था हम तुम, वही तो बन गया, बराबर नहीं आए, ओहो एफ इंटू जी नॉट इक्वल टू जी इंटू एफ, सो परमोटेशंस नॉट कम्यूट, परमोटेशन नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। यस, शिवाली गर्ग जी हमेशा पीछे से ही करना है, आप ठीक लिख रहे हैं, मैंने कारण भी बताया आज उसका। यस, हरलीन सर 3 एलिमेंट से शुरू करना है, नहीं किसी से भी शुरू कर दो, ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 2 3 इंटू 4 5, अब पीछे मैंने 1 से शुरू करता हूँ, 1 1 है ही नहीं, 1 1 2 पे गया, 2 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3
वन पे गया, ये तो सेम ही आ जाएंगे। यस, ये भी बराबर नहीं आए। यस, हमने ही देखा ये दोनों बराबर नहीं थे, राइट। अब वन टू थ्री इंटू फोर फाइव बताओ क्या आएगा। वन टू थ्री इंटू फोर फाइव, सबने लाइक किया कि नहीं किया? भाई आपका काम है यार, करना तो कर देना, अच्छा लगे तो, मन करे तो शेयर कर देना। जितना ज्ञान बांटोगे आपके पास ही ज्यादा आएगा, सिंपल सा रूल है। यस, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू पे गया, टू थ्री पे गया, थ्री वन पे गया, फोर फाइव पे गया, फाइव फोर पे गया, बिल्कुल ठीक है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसको ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था हमें। फोर फाइव इंटू वन टू थ्री, कॉपी पेस्ट पे सेम हो गया। फोर फाइव वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो सेम आ गए। ये सेम कैसे आ गए? बिकॉज दोनों डिसजॉइंट है। तो यहां नई डेफिनेशन क्लियर कर लेते, डिसजॉइंट मतलब इसमें वन टू थ्री आपस में हो रहे थे, फोर फाइव अलग अलग थे, इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। ऐसे साइकिल्स को बोले डिसजॉइंट साइकिल्स। तो जब डिसजॉइंट साइकिल होंगे, यस, शिवाली गर्ग सर मैं भी यूट्यूबर हूँ, खूब सारा ब्लेसिंग्स, खूब सारा अच्छा अच्छा कंटेंट डालो ताकि लोग अच्छा पढ़े। कभी ये सोच के मत डालना, जितने भी यूट्यूबर मुझसे पूछते मैं ये कहता हूँ, क्योंकि स्टडी वाले चैनल्स होते हैं वो हमेशा, जिसमें प्योर स्टडी होती है उस पर आपको बहुत सारे लाइक्स बहुत सारे वो नहीं आते, इसलिए मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। बस मेरा काम है अच्छा कंटेंट डालना ताकि लोगों को अच्छा वैल्यू मिले, यही सोच के आप काम करना। So, अगर अल्फा और लैम्डा दोनों ऐसे जो सेम रख रहे हैं, या फिर ऐसा है, ये इतना ओखा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। जैसे इसमें वन, जैसे इसको मैंने सिग्मा बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया लैम्डा। अब सिग्मा और लैम्डा दोनों अलग अलग एलिमेंट्स को कर रहे हैं, ये वन टू थ्री के ऊपर काम कर रहे हैं, ये फोर फाइव के ऊपर। तो ऐसे साइकिल्स को बोलते हैं डिसजॉइंट। तो जितनी डिसजॉइंट परमोटेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब ये मुझे विदाउट पेन चाहिए, ये मुझे विदाउट पेन चाहिए, ट्रिक के साथ स्केयर निकालना है, देखते हैं कौन पहले आंसर देगा। राजवंत, रजनी, तानिया, गगन, रमन, युशिष्ठा, पायल, सुप्रीत, सुखविंदर, मंजू, रेनू, नवी, डिंपल, आकांक्षा, सुमिता, साजिया, किरण, राजवीर सिंह साहब, बाजिया, फरजाना खान, अखिलेश, विशाली, अलका, मजा आ गया, सीधा जंप करवाया। स्केयर निकालना था, चल वन थ्री पे गया। सो लैम्डा स्केयर निकालना था, ये अल्फा स्केयर क्या बोलेंगे, सिग्मा स्केयर, वन थ्री, वन थ्री पे गया, फिर एक एक छोड़ के थ्री फाइव पे गया, ऐसा एक एक छोड़ के, फाइव के बाद वन छोड़ेंगे टू आएगा, टू के एक एक छोड़ के लिख दिया मैंने। अब क्यूब लिखना है, या तो इसको छोड़ छोड़ के लिख, या तीन तीन छोड़ के लिख लो। वन लिखा, टू थ्री छोड़ के फोर, फाइव वन छोड़ के टू, थ्री फोर छोड़ के फाइव, वन टू छोड़ के थ्री। ओ, चेतन सर फास्ट बता के एक बार फिर बताना। देखो अगर मुझे सिग्मा फोर निकालना है तो मैं तीन तीन एलिमेंट छोड़ूंगा। वन लिखा, टू थ्री फोर छोड़ दो, फाइव
फाइव लिख लिया, अब फाइव के बाद तीन एलिमेंट छोड़ो, वन टू थ्री छोड़ो फोर, अब फोर के बाद तीन एलिमेंट छोड़ दो, फाइव छोड़ दो, वन टू छोड़ दो, थ्री, थ्री के बाद दो छोड़ दो, तीन फोर फाइव वन छोड़ दो टू, अब सिग्मा फाइव, अब इसमें चार चार एलिमेंट छोड़ दो, सेम ही आ जाएगा, वन का वन के साथ, टू का टू के साथ, थ्री फोर फाइव, आइडेंटिटी आ जाएगी। गुड शिफाली, समझ आ गया ना? यस, कितना मजा आ रहा है यार, क्या आपने कभी सोचा था ऐसा खेल खेलोगे? चलो सिग्मा क्यूब, यहाँ पे सेट दे रखा है वन टू थ्री, मिस था यहाँ पे, क्योंकि थ्री आंसर में है तो इसका मतलब थ्री हो गई होगा। सिग्मा क्यूब निकालते हैं, पहले स्केयर निकालो, है ही दो एलिमेंट, वो तो डंटी आ जाएगा। सिग्मा क्यूब निकालोगे, सिग्मा स्केयर इंटू सिग्मा, ये तो डंटी है, डंटी से किसी को मल्टीप्लाई करोगे वो तो सेम ही आ जाएगा, ये तो डंटी हो जाएगा। अच्छा एक और बात है, किसी को लगे थोड़ी सी कम समझ आई है किसी टॉपिक में, भाई क्या करते हो, ऐसे लिख लेना, वैसे आप सब तो इंटेलिजेंट हो, ये वाला काम तो आता ही है। इसको लॉन्ग मेथड से कर लेना, चीजें और क्लियर हो जाएंगे। सिग्मा स्क्वायर सच में चाहिए ना, अगर तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, डट के पढ़ो, कंसिस्टेंट पढ़ो। अब सिग्मा स्क्वायर है, टू से शुरू किया, एक एक छोड़ के लिख दो, थ्री छोड़ दो फोर, टू छोड़ के थ्री, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है तमन्ना शर्मा जी का, पूछ रहे हैं सर एक टॉपिक अच्छे से याद रहे तो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। वेरी सिंपल आंसर, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं सबसे पहले आप उसकी वीडियो देखते हो, अगर आपने उसकी वीडियो के नोट्स बना लिए उसके बाद आपको उसकी असाइनमेंट आती है, उसको टाइमर के साथ आप करते हो, कभी भी बिना टाइमर के पढ़ना नहीं है। अब मान लो एक टॉपिक की आठ वीडियोस थी, आठ असाइनमेंट थी, आपने कंप्लीट की, उसके बाद आप URF मेथड से उसकी रिवीजन करोगे, ताकि सारी वीडियोस जो मेथड वर्ड का बेस्ट मेथड है उससे रिवीजन करोगे, अल्टीमेट रिवीजन फार्मूला, उसके बाद असाइनमेंट्स को वापस प्रैक्टिस करोगे। इतनी बार प्रैक्टिस करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है टाइमर के साथ, जब तक फुल नंबर आने शुरू हो जाए, दूसरी तीसरी बार में याद ही हो जाएंगे क्वेश्चन आपको, और पेपर में जाके आप पता क्या कहोगे, सर जैसे वो पिछली बार पेपर हुआ था ना तो बच्चों ने बोला था सर 147 क्वेश्चन 150 में से वही आए जो आपने करवाए हुए थे। आर यू गेटिंग द वर्ड्स? बिकॉज बस आपका ये काम है, फिर जो मैं टेस्ट लेता हूँ, जो मैं टेस्ट सीरीज लूंगा, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाओ, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आप कितना रिलैक्स रहते हो, साथ में मेडिटेट करो, राइट? सो कॉम्पोजिशन क्लियर हो गया, अब एक और नई ट्रिक सीखने वाले हैं हम, रेडी फॉर ट्रिक? 1 3 × 1 2 कितना होगा? खसक जरूरी नहीं है उसका, पेपर कब तक हो जाएगा? रुपिंदर जी अच्छा क्वेश्चन है, रुपिंदर जी मेरा आपसे उल्टा क्वेश्चन है, क्या आपकी तैयारी 140 प्लस नंबर की हो गई है? क्योंकि कहते हैं मुंह में सरस्वती माता बैठे होते हैं, फिर तो हम प्रार्थना कर देते हैं अरे अभी इलेक्शन से पहले पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, 1 अप्रैल से आप जॉब में चले जाओ, पर पहले ये बता दो आपकी तैयारी हो चुकी है, और 1 महीना टेस्ट सीरीज के लिए भी चाहिए आपको। गुड तमन्ना, गुड। 1 2 3 1 5 1 4 1 3 ट्रिक सिखाने वाला हूं। वन थ्री फोर, वेरी गुड वेरी गुड। सो
ये ट्रिक सिखाने वाले हैं हम आपको। मान लो आपके पास कुछ भी लिखा हुआ ऐसे 1 2 3 4 5, इसका शॉर्टकट होता है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप 1 5 1 4 1 3 1 2, ये भी एक मेथड है लिखने का। ये मेथड काम क्यों आएगा, साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखने में, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन यही होती है ना टू लेंथ वाली, हम हर साइकिल को टू लेंथ की ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। सर उसका क्या फायदा है, फायदा बताएंगे। ये मल्टीप्लाई करना आपको आ चुका है अच्छे से, ये भी आ चुका है, ये तीन वाला करके दिखा रहा हूं कैसे किया, 1 2 3 4 5, पांच नंबर थे, पीछे से शुरू किया, इसमें 1 3 पे गया, इसमें 3 था ही नहीं, इसमें 3 था ही नहीं, तो 1 3 पे गया, फिर 2 देखना है, 2 लास्ट वाले में है नहीं, 2 2 पे गया, 2 था ही नहीं, 2 2 पे गया, 3 1 पे गया, 1 4 पे गया, 1 4 पे गया, 4 था ही नहीं, अब 4 देखेंगे, 4 1 पे गया, 1 5 पे गया, फिर आगे 5 देखना है, 5 1 पे गया, 1 3, यहाँ पे 4 मिस हो गया, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, हाँ यहाँ पे 4 आएगा, 1 3 4 5, यहाँ पे 4, अच्छा हो गया, मैंने करके देख लिया, इतना अच्छा कई बार होता है ना, यस, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज सुपर क्लियर। 1 2 3 4 5 को लिख सकते हो 1 5 1 4 1 3 1 2, वन टू थ्री फोर को 1 4 1 3 1 2, एवरी परमोटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यस। अब नया क्वेश्चन आया, कैसे पता चलेगा कोई परमोटेशन इवन या ऑड, सिंपल है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस को देख के, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन तो इवन, ऑड तो ऑड। अब 1 3 2 को क्या लिख सकते हो, 1 3 1 2, दो ट्रांसपोजिशन, आप इसे क्या बोलोगे, इवन। 1 2 एक ट्रांसपोजिशन, ऑड। 1 2 3 4 इवन, इससे आपको एक और चीज भी क्लियर होती चलेगी, 5 एलिमेंट है इवन, 4 एलिमेंट है, ये क्या हो गया, ये ऑड थी, इसको आप लिख सकते हो, ये तो ये भी ऑड आएगी, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, 1 4 1 3 1 2, ऑड आएगी। यस, ये भी ठीक था, यहाँ पे ना किसी बच्चे ने पूछा था फर्स्ट ब्रैकेट में भी आएगा, ये भी ठीक था, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको ऐसा भी तो लिख सकता है ना, 1 2, मैं उल्टा लिखता होता हूँ, 1 3, पहले 1 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे an आएगा, ये ठीक कर लेना, यहाँ पे फर्स्ट का लास्ट के साथ बनेगा 1 5, फिर 1 4 1 3 1 2, यस, ये क्लियर होगा इवन ऑड प्रमोटेशंस। तो यहां से आपको क्या क्लियर होगा, अगर n साइकिल है, अगर n इवन नंबर है तो ऑड प्रमोटेशन होगी, उल्टा है, और अगर n ऑड है तो इवन प्रमोटेशन होगी, क्योंकि जो जैसे ये है 4 नंबर है, n 4 हो गया, तो ये क्या बनेगी, ओड, क्योंकि 1 3 1 4 1 3 1 2, 3 बनेगी, यस, राइट। अब आप आज परमोटेशन का जो मर्जी क्वेश्चन कर लेना, आपको सुपर डुपर क्लियर हो जाएगा, यस। अब 1 2 3 को ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 को ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 into 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको लिख दिया इवन परमोटेशन, ऑड परमोटेशन, ऑड, वो सेम रूल रहेंगे, इवन इंटू ऑड दैट इज ऑड, इवन इंटू इवन इवन, ऑड इंटू ऑड
40 into 40 क्या बनेगा, 10 3 40 बनेगा। अब मुझे ये बताओ ये ओड या इवन, वन ट्रांसपोजिशन ओड या इवन, ओड या इवन। परिंदर क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे आपा, यस। सो फर्स्ट इज ऑड बिकॉज ऑफ वन ट्रांसपोजिशन, ओड इवन पता चलता है जितनी ट्रांसपोजिशंस है। ये क्या बन गया, 1 3 1 2, टू ट्रांसपोजिशंस इवन, राइट। सो आइडेंटिटी क्या बनेगी, इसमें कुछ नहीं है खाली, इसे कहते हैं हम इवन ट्रांसपोजिशंस, इवन ट्रांसपोजिशंस। सो आइडेंटिटी इज इवन ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन इज इवन, ओड इज ऑड, ऑड इवन इज ऑड। परमोटेशन को इस साइन से लिखा जाता है सिग्मा, दिस इज यूज्ड फॉर नॉर्मली परमोटेशन, राइट। अब साइन ऑफ परमोटेशन कैसे डिफाइन होता है, साइन ऑफ परमोटेशन डिफाइन होता है या तो माइनस वन या वन, एक डेफिनेशन है, कहते हैं अगर इवन परमोटेशन है तो माइनस वन, उसका साइन होगा ओड है तो वन, बस ये तो एक डेफिनेशन है छोटी सी, इसका और कोई काम नहीं है। सिग्नेचर बोलते हैं, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा माइनस वन या वन होता है। क्लास कितने बजे तक चलेगी सोचा नहीं यार, 1 2 3 4, जसप्रीत 3 ओड नंबर है, 5 ओड नंबर है, 15 ओड होगा, सेम परमोटेशन में होगा, सेम 1 2 3 4, दो ट्रांसपोजिशन है, दो ट्रांसपोजिशन मतलब इवन, यस। यस चाहत बिल्कुल बोल सकते हैं, ओड इवन इवन होगा, ये परमोटेशन कौन सी है, कमॉन कमॉन कमॉन, प्रैक्टिस करोगे साथ में तो बात बनेगी। 1 2 3 4 5, 5 मतलब इवन, 1 5 1 4 1 3 1 2, ये वाली देखते हैं कौन बताएगा। 1 2 3 4 5, 1 3 1 2 4 5, फंस गए, ऑड, तीन ट्रांसपोजिशन ऑड, ये वाली क्लास में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 6 3 5 3 4, ऑड इवन क्लियर, गिव मी सुपर क्लियर इन द चैट बॉक्स, नो नीड ऑफ प्रैक्टिस नाउ। सर ऑड इवन ही आएगा, सिग्नेचर बताना है इसका, 5 1 5 3 5 4, दिस इज ऑड, ऑड का सिग्नेचर क्या होता है, 1 और -1, मजा आ रहा है, ठीक है। ओड का माइनस वन होता है, ओड का सिग्नेचर माइनस वन, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ ओड परमोटेशन, और इवन का वन, इसका मतलब पीछे गलत लिखा हुआ था क्या, चेक कर लेना। चलो क्लास कब फिनिश हो जाएगी, शिफाली जी आप तो यूट्यूबर हो, मजा आ रहा है यार पढ़ाने दो यार। ऑर्डर ऑफ परमोटेशन,
जितने का वो साइकिल है उतना उसका ऑर्डर है, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 1 3 पे गया, 3 4 पे गया, 4 1 पे गया, 3 4 पे गया, 4 1 पे गया, 3 1 2 पे, 2 3 पे, फिर 2 देखा 3 पे, 3 देखा 4 पे, 3 4 पे, 4 1 पे, 4 1 पे, 1 2 पे। अब इसको लिख सकते हैं 1 3 2 4। यस, सो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसमें कितनी ट्रांसपोजिशन है, 2, इसमें ये 4 साइकिल है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 2 साइकिल्स है, ये क्लियर है ना सबको। सो ऑर्डर क्या होगा, ये हम कर चुके हैं, अब ऑर्डर को समझते हैं, ऑर्डर होता क्या किसी नंबर का। यस, ये हम कर चुके थे तो मैंने इसको आगे लिया, हमें पता था सिग्मा की पावर 4 करेंगे आइडेंटिटी आएगा। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है, चेतन सर बड़े प्यार से बोलते थे ऑर्डर में एक एलिमेंट को कितनी बार खुद से ऑपरेट करे ताकि वो अच्छा बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। सो सिग्मा को 4 बार खुद से ऑपरेट किया तो इसका मतलब जितना साइकिल है उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा हमेशा। यस, सो ऑर्डर ऑफ एन साइकिल इज एन, कितना को मजा आ गया वाला लाइन सुन के। ऑर्डर ऑफ 1 2 3 कितना होगा, 3। क्यों, क्योंकि अगर ये सिग्मा है इसका क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। यस करण, कितनी बार ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी बन जाएगा। यस यस, गुड कोमल, गुड रेनू, तो आइडेंटिटी बना दिया। यस, सेम बन जाएगा, 1 1 पे जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ एन साइकिल इज एन, राइट। सो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स हमें पता है परम्यूट करता है, इसका ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, इसका ऑर्डर कितना है, 3, इसका कितना है, 2। यस, सो उन दोनों की मल्टीप्लाई का ऑर्डर कितना होगा, एलसीएम, ये नोट कर लेना, इसका 3 था इसका 2 था, दोनों की मल्टीप्लाई का निकालोगे 6। अब जिसको एक्सपेरिमेंट करके देखना हो, घर के लिए दे रहा हूं, पी फॉर पिंकी, पी फॉर प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस घर पे करोगे, मल्टीप्लाई करना आता है दोनों को, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके नया एलिमेंट बन गया मान लो एफ, फिर आपको कितनी बार ऑपरेट करे डंटी बनेगा, आपको 6 बार करना पड़ेगा, करोगे, एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना आता है, कंपोज करना आता है, उसको एफ लिख लेना, फिर एफ को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे डंटी बनेगा, वो 6 बार करना पड़ेगा। सो अगर एक परमोटेशन का ऑर्डर एम है, एक का एन है, दोनों के कॉम्पोजिशन का कितना होगा, एलसीएम ऑफ एम एन एन, एलसीएम ऑफ एम एन एन, राइट। सो मुझे इसका ऑर्डर बताओ जल्दी से, गुड जानवी, गुड, नेहा गर्ग पूछ रही सर ओड ओड इवन ही आएगा, अच्छा ओड ओड इवन आएगा, हाँ ओड ओड इवन ही आएगा ना, मान लो ये मेरे पास ओड परमोटेशन है, ओड ओड इवन ही आएगा, ठीक है नेहा, आप सही कह रहे हो, अगर कोई ओड परमोटेशन है एफ, ये ओड है, एक जी ले लेते हैं, 1 3 4 5 और 5 6 कुछ भी ले लिया हमने, ये भी ऑड है, 3 वाली ये भी ऑड आएगी, जब हम एफ इंटू जी करेंगे तो वो इवन बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि ए को ऑड प्लस प्लस हो जाएगा ना। यस, तो यहाँ पे वो लगेगा ऑड प्लस ऑड, 3 + 3 6, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा, ऑड प्लस इवन ऑड हो जाएगा। पांच ही आएगा, ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट परम्यूटेड। हाँ जसविंदर, यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर का मतलब होता है उसको कितनी बार हम खुद के साथ कंपोज करें आइडेंटिटी बन जाए। ये तो 6 क्लियर है आपको, हम कर चुके हैं।
इसका ऑर्डर निकालना है, वन तो फिक्स हो गया, टू फोर पे गया, थ्री फिक्स हो गया, ये बच गया। अब ये टू साइकिल है, टू साइकिल का ऑर्डर टू होता है। गुड गुड दीपक, गुड करण, ऑर्डर ऑफ परमोटेशन, वन थ्री पे गया, थ्री टू पे गया, टू फोर पे गया, फोर वन पे गया, फाइव सिक्स पे गया, सिक्स वन पे गया। इसका चार है, इसका दो है, दो और चार का एलसीएम, मेरा टाइम चार ही था। मजा आ रहा है? इनवर्स ऑफ परमोटेशन सबसे आसान, एक मिनट में हो जाएगा। वन टू पे गया, टू थ्री पे, इनवर्स मतलब उल्टा, टू वन पे गया, इसको उधर ले गए, सब कुछ उल्टा पुल्टा, ये इधर आ जाएगा। एनिमेशन से कितना क्लियर हो रहा है, उल्टा हो गया। सो वन फोर पे गया, ऐसे उल्टा देखना है, टू वन पे गया, थ्री टू पे गया, फोर थ्री पे गया, आगे ऊपर से नीचे उल्टा। सो अगर एफ आपके पास वन टू थ्री फोर, थ्री टू फोर वन है, तो एफ इनवर्स कितना होगा, ऐसे लिख के अब देखो, वन फोर पे गया उल्टा दिखेगा, टू टू पे गया, थ्री वन पे गया, फोर थ्री पे गया, एफ का इनवर्स आ गया उल्टा। क्या तो मजा आ गया एम जी। सो वन टू थ्री फोर का इनवर्स क्या होगा, फोर थ्री टू वन, ये भी मजेदार बात समझ में आ गई। सो वन टू थ्री फोर फाइव का इनवर्स कितना होगा, चेतन सर उल्टा लिख दो यार, आप इतने प्यारे हो, प्यारा प्यारा समझाते हो, मतलब हर टॉपिक को लॉन्ग में शॉर्ट में अच्छे से, परमोटेशन तो आपको अंदर तक धड़ गया। इनवर्स बता दो जल्दी से, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर पे था उल्टा हो गया, फोर थ्री पे हो गया। कोई भी नहीं आएगा, इनवर्स ऑफ परमोटेशन ये भी आप कर लोगे, इनवर्स ऑफ परमोटेशन वन टू का तो सेम ही रहेगा ना, इसको तो क्या बदलेंगे, उल्टा करोगे टू वन आएगा, टू वन वन टू सेम ही होता है राइट। सो आर साइकिल का इनवर्स आर ही होगा, इवन का इवन, ऑड का ऑड। यस, सो इवन परमोटेशन का इनवर्स इवन होता है, ऑड का ऑड होता है। इनवर्स ऑफ परमोटेशन टू थ्री फोर, फोर थ्री टू, चक दे ओ चक दे राइट। सो हमने दो टॉपिक पूरे किए हैं भाई, बेसिक्स बनाने में खूब टाइम लगा राइट, मजा तो बहुत आ रहा था, पर मुझे तो कहीं जाना है बहुत जरूरी, और आज क्लास तो इतनी हो पाएगी, तो जितने भी YouTube पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, आपके लिए इतना ही था फिर, ताकि बाकी जो रह गया वो कभी हम देखेंगे, कभी YouTube पे डिस्कस हुआ तो देखेंगे। इस वीडियो के नीचे क्या करवाएं आप लोगों से, देखते हैं कितना प्यार मिलता है, कितने फ्रेंड्स तक शेयर जाती है, अच्छी खासी हुई तो फिर बाकी के चार टॉपिक भी राइट। तो मैं हमेशा ऐसे ही लेक्चर लेता हूँ, बना के रख लेता हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, खुल के पढ़ाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तब के शुरू करो, अगर आपने एडमिशन ले रखी है तो बी कंसिस्टेंट, और अगर नहीं ली तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, इसके बाद सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे राइट। तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी जब अभी, उसके बाद आंखें बंद करनी और सोचना है आज आपने क्या क्या पढ़ा, और फिर देखते हैं उसके नीचे कितनी लर्निंग्स और कितने कमेंट आते हैं। सिंपल चीज मैंने मांगी है, आपको आज की वीडियो कैसे लगी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन। देखते हैं कितने सारे मैसेजेस इस वीडियो के नीचे आते हैं, अगर आए तो अगले चार टॉपिक भी आप लोगों को मिलेंगे, नहीं तो नहीं भी मिलेंगे राइट। इट्स योर कमिटमेंट, आप लोग चाहते हो ना टीचर कमिटेड रहे, तो आप लोगों का कमिटमेंट। लेकिन कब ये लिखना है एक्सपीरियंस, और वो ठीक वीडियो खत्म होने के दो मिनट बाद, ताकि आंखें बंद करके अब दो मिनट तक गहराई में सोच पाओ राइट।
सो आई एम सो कमिटेड फॉर योर सिलेक्शन. आपका कमिटमेंट देखते हैं. आज की क्लास इतनी रखते हैं. वेरी गुड नाइट और विश यू गुड लक. खूब सारी ब्लेसिंग्स. हरविंदर जी का बर्थडे है. खूब सारी ब्लेसिंग्स.